इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने इसे देखते हुए आपात बैठक बुलाई है। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए मौजूद रहेंगे। बता दें कि जिस तरीके के हालात इस वक्त रूस और यूक्रेन के बनते हुए नजर आ रहे हैं, भारत की भी इस पर लगातार नजर बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच बनी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने इसे देखते हुए आपात बैठक कॉल की है। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए मौजूद रहेंगे। भारत तमाम परिस्थितियों को बारीकी से देख रहा है, समझ रहा है क्या कुछ हालात यहां पर है, भारत की क्या कुछ इसमें भूमिका रहेगी। इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जानी है। और फिलहाल बड़ी अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं हम। बड़ी खबर ये कि रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जिस तरीके से शुरू हुआ है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री और एनएसए इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक कॉल की। आपको बता दें कि भारत इस वक्त जो परिस्थितियां रूस और यूक्रेन के बीच में बनी हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं। अपनी भूमिका को समझते हुए भारत जो है वो इस वक्त बना है। इससे पहले लगातार भारत दोनों ही पक्षों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने को लेकर बात करता रहा है। और फिलहाल स्थिति ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपात बैठक यहां पर कॉल कर रहे हैं और बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। जिस तरीके के हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में, और फिलहाल इस आपात बैठक में रक्षा मंत्री और साथ ही एनएसए मौजूद रहेंगे।